नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। बहराइच जिले के मोतीपुर विकास खंड के मेहपुरवा परिसर में शनिवार की सुबह को लगभग 101 सफाई कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर परिसर की साफ सफाई शुरू कर दिया। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने सीएचसी मोतीपुर, पशु चिकित्सालय, एफसीआई गोदाम, कृषि इकाई केंद्र, रेलवे स्टेशन की रोड की सफाई भी की। एक साथ सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने हाथ में झाड़ू और फावड़ा लेकर सफाई करने के अभियान पर डीओ रिजवाब अहमद ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशानुसार विकास खंड के मुख्य सार्वजनिक स्थलों के आसपास समूह बनाकर सफाई कर्मचारियों से सफाई करवाई गई है, जिससे बरसात के समय भी किसी सार्वजनिक स्थल पर जल भराव और झाड़ियां आदि न रहे। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बहोरी लाल ने बताया कि सुबह से हो रही बारिश के बावजूद सभी सफाई कर्मचारियों ने भीगते हुए सभी मुख्य स्थलों व मार्गों की सफाई की है। इस दौरान एडीओ रिजवान अहमद, ग्राम विकास अधिकारी सतीश त्रिपाठी, कैलाश चंद्र, जितेंद्र मौर्य, मनोज शुक्ला इत्यादि काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमारे सामने विकास खंड मेनपुरवा में सभी सफाई कर्मी यहाँ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बहोरी लाल है। क्या है मामला, यहाँ लोग क्यों इकट्ठा है? जी, सीडीओ साहब का आदेश है कि ब्लॉक की साफ सफाई बेहतर रूप से की जाए। जो सामुदायिक भवन है, विकास खंड परिसर है, हमारा जो कृषि इकाई केंद्र है जहाँ से लोगों को बीज मिलता है, उसकी हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। प्लस ब्लॉक के सामने की साफ सफाई किया है। फिर ब्लॉक परिसर जो है, यहाँ पर आवास बने हुए हैं। सुबह से यहाँ बारिश हो रही है, बारिश के बीच में आप लोग सफाई कैसे कर रहे हैं? जी, बारिश के बीच में भी कठिनाइयों का सामना करते हुए सफाई कर रहे हैं हम लोग। कितने लोग होंगे कुल आज के आदेश? टोटल लोग हमारे यहाँ 101 हैं, 101 लोग मौजूद हैं इस समय। चलिए, धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।